उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सख्त रुख है, वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में अब संघ भी उतर गया है। आरएसएस ने कहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ प्रदेश में विधेयक लाना अनिवार्य है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संघ के सामने आने पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की डूबती राजनीति को बचाने के लिए संघ धर्मांतरण का झूठा राग अलाप रहा है। आरएसएस के प्रांत संघचालक डॉक्टर पुणेंदु सक्सेना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी भी प्रकार से संख्या को बढ़ाना, धोखे और लालच से धर्मांतरण करवाना सही नहीं है। इस मामले में सरकार से भी ज्यादा जिम्मेदारी समाज की है। समाज अपने लोगों को संभाले, उनके सुख दुख और जरूरतों का ख्याल रखे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के संघ चालक और प्रांत प्रचार प्रमुख कनी राम ने कर्नाटक के धारवाड़ में हुई अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में फैसलों और उन्हें छत्तीसगढ़ में अमल करने की जानकारी दी। कनी राम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर पारित प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि एंटी कन्वर्जन बिल का विरोध क्यों होता है, यह सबके सामने है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एंटी कन्वर्जन बिल पारित किया। अरुणाचल में कांग्रेस सरकार ने अनुभव के आधार पर कानून बनाया। जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है उन्हें घोषणा करनी चाहिए, दोनों तरफ लाभ नहीं लेना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए उससे निपटने के लिए राज्य में प्रशिक्षित शिविर आयोजित किए गए हैं। यदि तीसरी लहर की स्थिति आती है तो समाज के सहयोग से उससे निपटने के लिए हम तैयार रहें। डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रतिदिन का कार्य है, केवल दिवाली पर पटाखों को प्रतिबंधित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। विश्व के अनेक देशों में पटाखों का प्रयोग होता है, इसलिए किस प्रकार से पटाखों को प्रतिबंधित करना है इसे देखना होगा। एकदम से निर्णय नहीं लिया जा सकता, समग्रता से और समय रहते चर्चा होनी चाहिए। इससे मिलने वाले रोजगार के बारे में भी विचार करना होगा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी की डूबती राजनीति को बचाने के लिए संघ एक बार फिर धर्मांतरण का झूठा राग अलाप रहा है। शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं है। राज्य में जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर धर्मांतरण की बातें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का फितूर है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही लागू है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा है कि जबरिया धर्मांतरण की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के किसी भी नेता ने किसी भी थाने में जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ न रिपोर्ट लिखाई है, न किसी पीड़ित को सामने लाए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए कोई विषय ही नहीं बचा है। कांग्रेस सरकार हर वर्ग में भले के लिए काम कर रही है। किसान, युवा, आदिवासी महिला, मजदूर, किसी की कोई समस्या नहीं है जिस पर जनता का ध्यान खींच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।